महान सम्राट अशोक की जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? बहुत सोचने पर उत्तर नहीं मिलता। आप भी इन प्रश्नों पर विचार करें। सम्राट अशोक, पिताजी का नाम बिंदुसार गुप्त, माता का नाम सुभद्राणी, जिस सम्राट के नाम के साथ संसार के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते भी अपनाया, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत के भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जो आज के नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। यहाँ पर विदेशी छात्र उच्च शिक्षा पाने के लिए भारत में आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जिसमें जनता खुशहाल और बिना भेदभाव के रहती थी, जिस सम्राट के शासनकाल में प्रख्यात महामार्ग ग्रेट ट्रंक रोड जैसे हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों तरफ पेड़ लगाए गए, सराएं बनाई गई, मानव तो मानव पशुओं के लिए भी पहली बार चिकित्सा घर खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती, जिनकी जयंती उनके अपने भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, न कोई छुट्टी घोषित की गई। दुख है कि जिन भारतीयों को ये जयंती मनानी चाहिए वे अपना इतिहास भुला बैठे, और जो जानते हैं वो ना जाने क्यों मनाना नहीं चाहते। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सब जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए सेना से लड़ने को मना कर दिया। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधार करने की शपथ लें। कम से कम लाइक तो जरूर करें, कुछ लोग नहीं करेंगे लेकिन मुझे यकीन है आप जरूर करेंगे। आपका अत्यंत आभार।